नमस्कार, मैं हूँ मारिया अजीज और आप देख रहे हैं मेसा पीपीटी न्यूज। फाजिलका मलोट रोड पर स्थित गांव खरास वाली ढाडी पर दो माह पहले सड़क हादसे से घायल हुए व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं व्यक्ति की मौत के बाद पारिवारिक सदस्यों ने वाहन से टक्कर मारने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल अस्पताल में पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपने पिंडो सुबह सुबह इधरों फाजिलका तो मलोट नू गड्डी जा रही थी जे सन्नी पुपनेजा ना दा ड्राइवर सी कोई और वो बड़ी फास्ट गड्डी ते मोबाइल ते जो गलबात कर रहा सी गलबात बेकाबू हो गई गड्डी उहदे कोलों सबला नहीं पहले उहने एक मुंडे दे विच मारी और जो ड्राइव कर रहा सी उस तो बाद जो फाजिलका नू आ रहे सी साडे दो मुंडे इन्हां तिन्हां मुंडे दे विच उहने बेदर्दी दे नाल जिहड़ी गड्डी मार के इन्हां नू एक्सीडेंट करके आप फरार हो गया। फरार होने के बावजूद अज तक जिहड़े दो मुंडे सी उह तां मालक की दया कहे भी उन्हें बचत होगी और तीजा मुंडा अज दो महीने के बाद भी 25 लाख रुपया लाने के बावजूद ही जो बाहरी हस्पताल अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर दाखिल रहा अज खुदा का वह जहाँ पाना वरता कि अज भी उन्होंने 20-25 लाख लाने के बावजूद डैथ हो गई। अज तक ना तो किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही उन्होंने जो जिन्हें गड्डी सी उन्होंने अज तक ना तो कोई पिछे आके पैरवाई की और ना पूछा हलचल ना कोई गलबात की भी की तुहाडा लड़का ठीक ने जां किवें है। और अज जो असी अपनी डेड बॉडी आज लड़के दी इत्थे लै के आए हॉस्पिटल तो उन्होंने एक अपना विचोलिया भेजता और कहन लगे कि राजनामे बारे जो भी साडे माहौल खराब करन और माहौल खराब किया इस दे नाल ही साडा जो पोस्टमार्टम उहनूं रोकण दी कोशिश कीती गई। ਸਤਪਾਲ ਮਾਜਨ ਵਾਸੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੋਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਤਦੇਵ ਰਾਜ ਸਨ ਟਾਲਾਰਾ ਅਮਦੀਪ ਸਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ 27-2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 327-337-338-428 ਦੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਦੇਵ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 304 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੀਛੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।